सबसे पहले अपनों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी। कार्बोहाइड्रेट होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपनों ने इसका एक जनरल फॉर्मूला दिया था, CnH2n की पावर n। और अगर मैं वहां पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख करके देखता हूं, तो n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, तो 1 का मीनिंग होता है फॉर्मेल्डिहाइड, 2 का मीनिंग क्या होता है एसिडिक एसिड, तो वो इस फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं बैठता। इस वजह से इस जो डेफिनेशन को बाद में मॉडिफाइड किया गया, क्योंकि ये हर एक शुगर पे आप नहीं लगा सकते, इसको मॉडिफाइड किया गया और बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बिहा पे अगर मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी कोई कंपाउंड बनाना है तो मुझे मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए मुझे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए और मैंने बोला एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप के लिए मुझे कार्बन चाहिए, तो मिनिमम मुझे 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। और वही इसका जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है वो होता है एसीटोन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना करके बताई थी कि ग्लिसरेल्डिहाइड किस तरीके से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ में फंक्शनली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं और इन दोनों की स्ट्रक्चर्स क्या है। यही स्ट्रक्चर आप पेज नंबर 229 ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको 4/5 नंबर रिएक्शन देखने को मिलती है, जब फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate स्प्लिट होकर के इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज इसी ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते हैं। इन चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पेज नंबर 229 ग्लाइकोलाइसिस, जो पूरा कंप्लीट आपको पाथवे दिया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ था कार्बोहाइड्रेट के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट की ये दोनों यूनिट्स को अगर आप किसी सॉल्यूशन में रखें और सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसके बाद अगर वो सॉल्यूशन पे आप अगर लाइट डालते हो, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक के अंदर कन्वर्ट किया, प्लेन पोलराइज लाइट है, डायरेक्टली इस सॉल्यूशन पे जब आती है, आने के बाद में अगर ये अपने पास से डेविएट नहीं होती है, इट मींस रेसिमिक मिक्सचर है आपके पास में, कैपिटल स्मॉल डी और स्मॉल एन, मतलब ऐसे दोनों ही फॉर्म जो है शुगर की अवेलेबल है, एल्डिहाइड वाली भी और कीटोन वाली भी, और इक्वल अमाउंट में है। अगर वो अपने पास से डेविएट होती है तो डिपेंड करता है कि ये डेक्सो रोटेटरी है या फिर लीवर रोटेटरी है। अगर डेक्सो रोटेटरी है तो ये राइट हैंड साइड रोटेट होगी और लीवर रोटेटरी है तो ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होगी। और इससे पता चलता है कि आपका जो शुगर है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसा है ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो सीधा निकल जाता है तो पता चलता है ये कैसा है, एक रेसेमिक मिक्सचर है। क्या है? रेसेमिक मिक्सचर है, रेसेमिक मिक्सचर। तो जनरल आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को डिफाइन किया था कि इसी के बिहाफ पे इसकी डेफिनेशन मॉडिफाइड की गई, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फिर दोबारा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई थी और बताया था कि पूरी बायोलॉजी के अंदर ये फिनोमेना चलता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड की फॉर्मेशन होती है, और एसिड के रिडक्शन से बनता है एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से बनता है अल्कोहल। ये पूरी रिएक्शन आपको यहां पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर जगह जगह देखने को मिलती है। उसी के बिहाफ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल भी आपको दिए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू फॉस्फोग्लिसिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सॉरी फॉस्फोग्लिसिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसिक एसिड, फिर फॉस्फोनोल पाइरुवेट एंड पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इन बिटवीन जो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है जिसमें PGAL किसमें कन्वर्ट होता है, PGA के अंदर, मतलब फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। इसी रिएक्शन का जस्ट अपोजिट आपको फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल NCRT पेज नंबर 217 पे जो आपको दिया हुआ है वहां पे रिडक्शन स्टेप है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज द फर्स्ट 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड ऑफ द C3 साइकिल वापस जाकर के किसमें, रिडक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या ग्रुप है यहाँ पे? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, जिसको अपने ट्रायोज फॉस्फेट बोलते हैं, और ट्रायोज फॉस्फेट की 2 यूनिट्स मिलाकर के अपने ग्लूकोज बनाते हैं। C3 साइकिल के अंदर आप ग्लूकोज बनाते हो तो रिडक्शन स्टेप है, जब फोटोसिंथेसिस के बाद में आप रेस्पिरेशन पे जाते हो तो उसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से। नेक्स्ट आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रो करेंगे। पहले आप 6 कार्बन बनाएंगे, थर्ड नंबर पे स्टार लगाएंगे, थर्ड नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप होगा, फर्स्ट नंबर पे CHO और लास्ट नंबर पे CH2OH होगा। पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखें, लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कैरल कार्बन है, इसमें 4 ही 2 डिग्री इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और एक क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर कार्बन एक्टिव होता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन इसको अपने बोलते हैं। इसी का ही अगर मैं बात करता हूं सबसे लास्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से पहले जो प्री पेनल्टीमेट कार्बन है, उस कार्बन पे अगर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डी फॉर्म। जो मार्केट में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोन डी उस पे लिखा होता है, वो कैपिटल डी किसको डिनोट करता है, इसकी डी फॉर्म अवेलेबल है। अपनी बॉडी के अंदर डी फॉर्म होती है और बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस होते हैं उनके अंदर एल फॉर्म अवेलेबल होती है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर्स की।
ठीक है, और ये इसकी डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों को बताया हुआ है। एल फॉर्म के अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो राइट हैंड साइड होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कहने का यही है सिंपल सा, जो शुगर आप बनाते हो, जो कार्बोहाइड्रेट आप बनाते हो, जिस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, वो कैपिटल डी वाली फॉर्म है, दूसरी वाली आपको अपने आप याद रह जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद अपनों ने डिस्कस किया था इस लीनियर फॉर्म से कैसे अपने इसकी साइक्लिक फॉर्म पे जाएंगे, बट उससे पहले इसके एपिमर बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन को छोड़ करके अदर किसी कायरल कार्बन के अंदर प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूट्स हैं प्रतिस्थापियों की ओरिएंटेशन के अंदर अगर डिफरेंस आता है तो अपने उसको बोलते हैं एपिमर। और अपने दो एपिमर पढ़े थे, एक तो बड़ा था मन से बोले तो दो, एक बोला था गले से बोले तो चार। मन का मतलब मैनोज, मतलब C2 एपिमर है, और गले से बोले तो चार मतलब गैलेक्टो, जिसमें C4 एपिमर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ था पूरा कंप्लीट कि एनोमर्स जो होते हैं, एनोमर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक एनोमर क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन होता है, फर्स्ट नंबर कार्बन से ज्यादा बेटर है फंक्शनल ग्रुप कार्बन आप बोलें, ऐसे त्रिविम समावयवी या स्टीरियो आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूट्स है उनकी ओरिएंटेशन में अगर डिफरेंस होता है तो एनोमेरिक फॉर्म बनती है। ग्लूकोज की दो एनोमेरिक फॉर्म है, एक होती है अल्फा एक होती है बीटा। अगर OH ग्रुप बिलो द रिंग है विद रिस्पेक्ट टू द OH ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द थर्ड नंबर कार्बन, जिसपे जहां पे आपको ओरिएंटेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। अगर अबव द रिंग है तो क्या होगा, बीटा फॉर्म। ये आप हर एक शुगर पे लगा सकते हो। मैंने इस वजह से बताया आपको क्योंकि मुझे बीटा राइबोज, बीटा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में ये चाहिए, आपको उसका पता रहे, इस वजह से आपको बताया था। ये रिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर बिलो द रिंग है और ये क्या है अबव द रिंग। बिलो द रिंग अल्फा ग्लूकोज और अबव द रिंग क्या है इसका बीटा ग्लूकोज। उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ था राइबोज के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि राइबोज और बीटा डीऑक्सी राइबोज, बीटा डीऑक्सी जो राइबोज होता है उसमें सेकंड प्राइम पे OH नहीं होता, वन प्राइम पे OH होता है, टू पे नहीं होता, थ्री पे होता है और फोर पे नहीं होता और फाइव नंबर पे होता है। वन नंबर, थ्री नंबर, फाइव नंबर, ये सारे के सारे बिजी होते हैं। वन नंबर बिजी होता है नाइट्रोजनस बेस से, थ्री और फाइव का OH बिजी होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने में। इस वजह से यहाँ पे कोई भी एक एक्टिव कार्बन नहीं होता जिसपे OH ग्रुप लगा हो, तो इसी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर होता है आपका डीएनए। और आरएनए के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर टू प्राइम OH पे आपको क्या, टू सेकंड प्राइम पे क्या मिलता है, एक्स्ट्रा में OH ग्रुप मिलता है, बाकी सभी बिजी होते हैं बॉन्डिंग में, बट सेकंड प्राइम का OH इसका फ्री होता है। दैट्स व्हाई आरएनए कैन बिहेव एज एन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, इन कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है ये, ठीक है। आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस का ही डिफरेंस नहीं होता, शुगर मोइटीज का भी डिफरेंस होता है। यहाँ पे बीटा डी ऑक्सी राइबोज होता है और यहाँ पे क्या होता है राइबोज शुगर, कौन सा शुगर होता है राइबोज शुगर। तो गड़बड़ मत करना पेपर के अंदर, जब भी क्वेश्चन आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बींग, तो एट टाइप होते हैं बेटा। एट टाइप कैसे हुए, चार तो वो राइबोज शुगर वाले और चार कौन से डी ऑक्सी राइबोज शुगर वाले, नाइट्रोजनस बेसिस चाहे पांच ही हो, समझ में आई बात। बट न्यूक्लियोटाइड आठ टाइप के होते हैं, क्यों, क्योंकि चार तो वो जो राइबोज शुगर वाले हैं और चार वो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर वाले हैं, ध्यान रखना गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट, उसके बाद आगे आप लोगों से डिस्कस हुआ था कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज कैसे बनाते हो, फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर डिफाइन की, फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर डिफाइन की, और उसमें भी आप एनोमेरिक फॉर्म्स की डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन देर इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर, ट्रायोज होता है, टेट्रोज होता है, पेंटोज होता है, हेक्सोज होता है और हेप्टोज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन देर इज टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स, एक होता है एल्डोज शुगर, एक होता है किटोज शुगर, ठीक है। एल्डोज शुगर के अंदर फर्स्ट वन आपका ग्लिसरोज है, सेकंड नंबर इथ्रोज है, थर्ड नंबर राइबोज, डीऑक्सी राइबोज या फिर जाइलोज अपने पढ़ते हैं, या फिर रेमनोज भी आपके सिलेबस के अंदर है, सॉरी जाइलोज आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद में इधर आ जाइए, सिक्स नंबर कार्बन पे ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, रेमनोज है, ये सारे आ जाएंगे। उधर आ जाइए किटोज शुगर की अगर बात करें, थ्री कार्बन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फोर कार्बन पे इथ्रोज है, फाइव कार्बन पे आपको राइबुलोज मिलता है, जाइलुलोज मिलता है, सिक्स कार्बन पे आपको फ्रक्टोज मिलेगा और सेवन कार्बन के शुगर होते हैं सीडोहेप्टुलोज, क्लियर। फिर इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट देयर इज थ्री डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स, फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, मोनोसैकेराइड में एक यूनिट होती है, डाइसैकेराइड में कितनी यूनिट होती है, दो से दो यूनिट होती है, ओलिगो में टू टू टेन, और पॉलीसैकेराइड में नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखने को मिलती है। इन केस ऑफ मोनोसैकेराइड ओज आप सफिक्स लगाते हैं, डाइसैकेराइड में क्या लगाते हैं, डाइसैकेराइड के अंदर ओज लगाते हैं और पॉलीसैकेराइड के अंदर एन आप एज एन सफिक्स लगाते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद डिस्कस हुआ था कि क्या मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, नहीं हो सकता, डाई और पॉली का हो सकता है। मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, यस, इसी फॉर्म में ऑक्सीडेशन होगा, बाकी सभी फॉर्म में ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्या सोलेबिलिटी मोनोडाई और पॉली सभी की होती है, मोनो की होती है, डाई की होती है, पॉली की नहीं होती। नंबर ऑफ एग्जांपल्स पढ़े थे, जितने एग्जांपल पीछे पढ़ के आए हैं वो सारे एग्जांपल मोनोसैकेराइड के हैं। डाइसैकेराइड के चार मेजर एग्जांपल लैक्टोज, माल्टोज, ट्रिहैलोज और सुक्रोज।
और पॉलीसेक्राइड के सारे एग्जांपल सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन इनुलिन काइटिन सारे पढ़ चुके हैं अपने पेक्टिन हिपेरिन लिग्निन अगार अगार कोंड्रोटिन हेमिसेलुलोज गैलेक्टन्स मैनेंस एंड हायलुरोनिक एसिड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं सभी आपके एनसीईआरटी में है हायलुरोनिक एसिड आपको नहीं मेंशन है डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है बट आपको पढ़ना है नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ था कि डाइसेकेराइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर चार आपको देखने को मिलते हैं डाइसेकेराइड कौन कौन से लैक्टोज माल्टोज प्रेहलोज एंड सुक्रोज और बताने का तरीका आपको मैंने बताया था लैक्टोज चारों को एक साथ लिख लो फर्स्ट बीटा लिखना लास्ट बीटा लिखना उसके अलावा सारे के सारे अल्फा तो आप जब भी अल्फा लिखेंगे उस अल्फा के अंदर सारे अल्फा क्या होते हैं ग्लूकोज होते हैं क्या होते हैं ग्लूकोज फर्स्ट बीटा और लास्ट बीटा फर्स्ट नंबर अगर मैं लैक्टोज की बात करता हूं तो बीटा वन गैलेक्टोज एंड अल्फा फोर ग्लूकोज बट वहां पे बीटा फॉर्म भी आ सकती है इन केस ऑफ केमिस्ट्री अपने वहां पे बीटा फॉर्म बीटा बीटा ही आपको सब जगह बना हुआ मिलेगा माल्टोज के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज वन फोर लिंकेज अल्फा अल्फा के साथ में अल्फा ग्लूकोज वन वन लिंकेज आपको मिलेगी ट्रेहलोज में और फ्रक्टोज के अंदर बीटा फ्रक्टोज और अल्फा ग्लूकोज का वन नंबर कार्बन और बीटा फ्रक्टोज का टू नंबर कार्बन आपको बीजी मिलता है बॉन्ड बनाने में इसी वजह से ट्रेहलोज एंड जो आपका सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिमेनिंग दोनों कैसी हैं लैक्टोज और माल्टोज कैसा होता है रिड्यूसिंग शुगर उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुए थे पॉलीसेकेराइड सुक्रोज का स्ट्रक्चर बताया था पॉलीसेकेराइड के अंदर सारे के सारे जो पॉलीसेकेराइड अपने यहाँ पे पढ़ते हैं ऑल आर बायोडिग्रेडेबल नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उसके बाद डिस्कस हुआ था होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन काइटिन एंड इनुलिन और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर आपके हायलुरोनिक एसिड कोंड्रोटिन हेपेरिन पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर आपको बताया था जिसमें प्रोटीन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन और अगर अगर आपको देखने को मिलता है क्लियर उसके बाद सेलुलोज जो होता है वो किसका बना होता है सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है 1-4 लिंकेज इसमें मिलेगी मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ अगर ये इसको देखें तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और जनरली जो आपका कागज अपने बनाते हैं पेपर बनाने में यूज किया जाता है कॉटन के अंदर आपको सेलुलोज देखने को मिलता है और लीनियर फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचुरली बायोडिग्रेडेबल है और कंडेंसेशन पॉलीमर है ये क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर नेक्स्ट इसके बाद अपन ने देखा था स्टार्च स्टार्च के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो यूनिट होती है मेजरली अगर मैं बात करता हूं एमाइलोज जो होता है वो आपको 15-20% और एमाइलोपेक्टिन होता है 80-85% एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है बट ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है और ये ब्रांच होती है इसमें ब्रांचेस जो होती है वो 20-25 यूनिट्स के बाद में आती है और स्टार्च जो होता है वो प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड होता है ब्रांचिंग पॉइंट पे आपको 1-6 लिंकेज मिलेगा अदरवाइज पूरे के पूरे स्केलेटन के अंदर आपको 1-4 लिंकेज देखने को मिलता है और स्टार्च की अगर अपने बात करते हैं तो आप देखें इसके अंदर एमाइलोपेक्टिन जो होता है अगर इंडिविजुअल बात करूं तो आयोडीन के साथ में रेड रेड कलर देता है वहीं पे एमाइलोज जो होता है वो ब्लू कलर देता है ओवरऑल स्टार्च आपको कैसा कलर देगा ब्लू कलर आपको प्रोवाइड कर करके जाएगा बट ध्यान रख लेना सेलुलोज किसी भी तरीके से कोई टेस्ट नहीं देता है यहां पर इनके अंदर हेलिकल फॉर्म आपको देखने को मिलती है बट हेलिकल बन जाता है जबकि वहां पर सेलुलोज में कोई हेलिकल फॉर्मेशन नहीं होता उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ था कि एमाइलोपेक्टिन जो होता है सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट ही आपको देखने को मिलेगी बट इन केस ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के केस में जो जो आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है वो 9-10 यूनिट्स के बाद में आ जाती है मतलब डेंसली पैक्ड होता है लीवर और मसल्स में अबंडेंट मिलता है फंगस के अंदर भी स्टोर्ड फूड है ये और लीवर के अंदर इसकी अमाउंट ज्यादा देखने को मिलती है ये डिस्कस हुआ था आप लोगों से उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ कि काइटिन और इनुलिन क्या होता है काइटिन एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर है 1-4 लिंकेज होती है सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स और फंगल सेल वॉल के अंदर आपको देखने को मिलता है सेकंड नंबर इनुलिन जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर डहेलिया है आर्टिचोक है इन सभी के अंदर उसके अलावा इनुलिन जो है किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर काम में आता है फ्रक्टोज का पॉलीमर है किसका है फ्रक्टोज का पॉलीमर है ध्यान रखना इसको उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुए थे कि काफी सारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड है हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर हायलुरोनिक एसिड आपको बताया था कोंड्रोटिन आपको बताया था हिपेरिन बताया था पेकेटिन बताया था और हेमिसेलुलोज बताया था ये यूनिट्स मैंने आपको बताई थी कि इनके अंदर कौन कौन सी यूनिट रहती है पर यूनिट्स ना याद करके आप ये देखें कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है कौन कौन से इनके फंक्शन क्या है अगर मैं हायलुरोनिक एसिड की बात करता हूं तो उसको एनिमल सीमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं एनिमल सीमेंट बोलते हैं कोंड्रोटिन आपको कार्टिलेज में देखने को मिलता है और थर्ड नंबर आपका हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है फोर्थ नंबर पेक्टिन जो होता है उसको प्लांट सीमेंट बोलते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट और लास्ट वन आपका क्या है लास्ट वन आपका हेमिसेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल में आपको देखने को मिलता है क्लियर तो ये था पूरा कंप्लीट आपका कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ओम्स गैप जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड मेलोनिक एसिड सक्सेनिक एसिड फिर फर्दर
ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और फिमेलिक एसिड, ये इससे आप याद रख सकते हो नंबर ऑफ जो कार्बन है। अगर COH COH है तो ऑक्जैलिक एसिड, अब जैसे जैसे आप CH2 इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ओम्स गैप, ऑक्जैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और फिमेलिक एसिड, इससे आप चीजें याद रख सकते हैं। ये था आपका कार्बोहाइड्रेट, इसको पूरा कंपाइल कर दिया है मैंने, अच्छे से आप पढ़ें। और इसी तरीके से अब आपके सामने ना ये सारे लगातार छोटे छोटे भजन आते रहेंगे और ये भजन आपको सुनने हैं बस। आपके नोट्स आपके पास में है, नोट्स को देखना है और पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से रिवाइज करना है जो आपको पढ़ाया गया है। विद इन 3 to 5 मिनट्स हर एक टॉपिक एनसीईआरटी का कवर होगा, इसी तरीके से पूरे साल।